सरक सरक उधर सरक सरक उधर समझ रहे हो सरक सरक उधर गजब बेइज्जती है। क्लाइमैक्स अभी बाकी। दोस्तों, राजस्थान में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी समय राजस्थान के दौरे पर हैं, जहां से प्रधानमंत्री मोदी का यह वीडियो आज सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। वीडियो में यदि आप गौर करें तो प्रधानमंत्री मोदी स्टेज पर चढ़कर वहां मौजूद लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। इसी बीच स्टेज पर मौजूद पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी वहां मौजूद हैं और भावी सीएम पद के उम्मीदवार राजेंद्र सिंह भी वहां खड़े हैं। वसुंधरा राजे ने राजेंद्र सिंह को अपने हाथों से हटाते हुए भी देखी जा सकते हैं। इसी वीडियो पर अब लोग यह कयास लगा रहे हैं कि बीजेपी राजस्थान में कला की ओर बढ़ रही है, बीजेपी में घमासान भी मचा हुआ है, ऐसा लोगों का मानना है। बीजेपी में जैसे भगदड़ सी मची हुई है। दोस्तों, आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर साझा करें। वहीं इस वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस नेता सुनील राजपूत कहते हैं, राजस्थान भाजपा खंड खंड, वह भी प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने भाजपा की कद्दावर नेता वसुंधरा राजे सिंधिया को धक्का देकर मोदी जी के साथ खड़ा होना पड़ा। पूर्व रिटायर आईएएस सूर्य प्रताप सिंह तंज कसते हुए कहते हैं, चार गुटों में बटी राजस्थान बीजेपी गंभीर आंतरिक संघर्ष से जूझ रही है। पीएम के सामने शीर्ष नेताओं की मंच पर स्पष्ट दिखती अदावत पार्टी के लुंज पुंज हालात बता रहे हैं।